देर हो गई इसका पर चाहे जाओ हम 500 किलोमीटर दूर था हम पैसा लेने आए तो पैसा देने वाले देश जाना है बता बहुत दूर है क्या कितना दूर 6 किलोमीटर पैदल आने में आधा घंटा लगता है टाइम से निकलोगे और क्या पढ़ के अच्छा है परीक्षा देने आया था लोग वाइपर देने के लिए ना कुछ पढ़ क्या है जो पढ़ क्या है उतना वही पीछे हैं एक खेली परीक्षा दी होने पेपर दी होने परीक्षा कौन सा पेपर था का नाम बता आप पेपर का नाम पेपर नाम बता पढ़ जाते अगर मीडियम का मीडियम को भी बताएं मध्यमान मध्यिका हैं समान वो भी यात्री की तो पढ़ाया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन का फार्मूला कौन बताए मानक विचलन निकालने का सूत्र हैं नहीं बताओगे तो हम नंबर नहीं देंगे बता कर आंकड़ा किसे कहते हैं आंकड़ा चलो और पीछे आते हैं आंकड़ा डेटा का नाम था आंकड़ा का आंकड़ा नहीं जानते जिसने करना किया प्रकार को बताओ सर प्राथमिक आंकड़ा क्या है हाँ प्राथमिक आंकड़ा क्या है सर जो समूह सर व्यक्ति माप व्यक्ति द्वारा तथा मापन द्वारा प्राप्त किया जाता है इसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं द्वितीय आंकड़ा जो पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों लेकिन आंकड़ा कोई बात है सर जिसमें आय व्यय का आकलन किया जाता है कि व्यक्ति इसका और जनसंख्या को अंकों में प्रदर्शित कर आंकड़ा हो गया कि नहीं जनसंख्या का क्या जाके गिन लेते हो घर घर इस घर में कितने लोग हैं कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं कितने बच्चे बूढ़े हैं लिख लेते हो आंकड़ा हो गया कि नहीं चलिए बैठ जाओ सहसंबंध कितने प्रकार का होता है सहसंबंध गुणा क्या निकालते हैं दो आंकड़े दो सीरीज के आंकड़े होते हैं उनके बीच कैसा संबंध है ये ज्ञात किया जाता है और संबंध कितने प्रकार का होता है ये बता सहसंबंध कितने प्रकार का होता है पढ़ाए थे कौन दो नाम नाम भी बताए थे कैलकुलेशन के अनुसार इसलिए बैंक के अनुसार कितने प्रकार होता है दो प्रकार एक होता है धनात्मक इसे पॉजिटिव कहते हैं और एक होता है ऋणात्मक नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरह के संबंध होंगे जब प्लस में आएगा तो धनात्मक ऋण में आएगा तो निकालेंगे तब ना आएगा निकालेंगे तब ना ऋण और धन आएगा एमबीए पूरा हो गया तो हां सबसे तेज लड़के वाले का अच्छा प्रताप सिंह तो ये गियर बेटा पढ़ाते हो जी हाँ पढ़ाते हैं जी हैं क्या पढ़ाते चलो बढ़िया हेलो पढ़ने आते हो तो क्या मतलब सर फिर जो पूछा जाएगा उसका उत्तर भी दोगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन कौन सी हमारे लड़के पूछे कोई नहीं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेजर का सेंट्रल टेंडेंसी था क्या केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन कौन सी माप है बताइए माध्य माध्यिका क्यों कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्यों कहते हैं ठीक है बताइए मेन मीडियम मोड ठीक है चल क्यों कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसी ये नंबर की जो मीडियम जो मेन पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट के नंबर होता है ये क्यों भी सारा
करता है, केंद्र को दर्शाता है, मंदिर को दर्शाता है, आदमी को दर्शाता है, हमें दर्शाता है, इसीलिए केंद्र में मंदिर की माफ करते हैं, ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है। उसमें हम पूछे हैं 1 2 3 4 5 और कोई हम उत्तर पूछ रहे हैं 1 2 3 4 5 का मीन बता दो निकाल के। सांस्कृतिक पढ़ाते समय सबसे पहले पुल की जोड़ के भाग दे फार्मूला क्या बता दो नहीं होता फार्मूला का मतलब क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन ये फार्मूला अब तू बताओ था पूर्ण में आ जाएगा उससे भाग दे इसका मित्र नहीं पूछ रहा क्या पूछ रहा है क्या फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स 5 4 9 12 14 15 5 लिखा कि 5 बार कितना हुई हां तो सर पास आ गया बैठिए बहुलांक किसे होता है कहते हैं बहुलांक बहुलक बहुलांक बहुलक मोड जो भी जानते हैं पीछे वाले बताएंगे ए गर्दन नीचे करके बैठ जाए मार में जो कि नंबर देना हम बता देते खाली नीचे गर्दन करके बैठ जाए तो काम नहीं चलेगा बताओ सबसे आसान क्वेश्चन बहुलांक किसे कहते हैं ऐसा है हम प्रश्न पूछेंगे जिसको आता होगा वो हाथ उठाएगा और जिससे पूछा जाए वो बोलेगा तब वो नहीं बोलेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन कौन सी मापें हैं बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अंग्रेजी में बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर पढ़ाए भी नहीं कुछ पढ़ाए हैं लिखाए हैं कब जब लिखे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं जानते अरे तुम भी नहीं जानती हो मीन मीडियन मोड तो सर पूछ रहे हैं और कब पूछ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है अखरे बताओ तो हम पूछे केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन कौन सी मापे हैं नहीं अच्छा चलो छोड़ चल एक आंकड़ा हमको बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 इसका मीन बता दो अर्थ बता एक दो तीन चार पांच सांख्यिकी इतना पढ़े हो तुम लोग कि ये सब वर्बल क्वेश्चन बताइए 1 2 3 4 5 का मीन क्या होगा अरे कुल के जोड़ पर कितना भाग दे रहे कोई भगवान जाने कितना भाग दे रहे हैं हैं बता भाई तुम अरे ये थप्पड़ बस क्या सुस्ता हुआ था बुला बता हम बुला बता हम मीन 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 का भाग बुला बता फार्मूला हम पूछ रहे हैं व्याख्या नहीं पूछ रहे हैं एम प्लस वन होता है बोलो जी मीन का फार्मूला है मीडियम का आप जो आंकड़ा बोले उस आंकड़े के लिए फार्मूला बताओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आंकड़ा है इस पर कौन सा मीन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा क्या पता इफेक्ट लगेगा किस तरह का आंकड़ा है इंडिविजुअल फेज का आंकड़ा है क्या होगा सिग्मा एक्स अपॉन एम सिग्मा एक्स अपॉन क्या होता है एक्स क्या होता है सबको जोड़ दो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 5 संख्या 5 संख्या हो गया 3 फार्मूला फैक्टर है तुम लोग नहीं जानते ये इतना नहीं जानते साकी नहीं पढ़ते समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक पढ़ा है सहसंबंध कोरिलेशन 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 पढ़ा किसी ने उस सवाल में उसमें दिया गया था ना बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अच्छा ए बहुलांक क्या होता तुम बता अन्ना बता दे फिर तब मोड मोड बहुलांक किसे कहते हैं सबसे आसान क्वेश्चन है यहाँ बहुलांक किसको आता है बताइए पीछे वालों को नहीं आता है तुम लोग मनोविज्ञान भी पढ़ते हो भूगोल भी पढ़ते हो नौ पद जिसमें निकाला है तो बताओ भाई
बगुलांग किसे कहते हैं? बोलो सर, बगुला की बगुला वही है, यही बगुला की बगुलांग जो अधिक बार आता है, जैसे कि अगर हमको स्ट्राइक 2 बार 2 दिया, 3 दिया, 3 बार, 4 दिया, 5 बार, हम बगुलांग इसलिए बोले हैं कि और आसानी समझेंगे। बहुलांग का मतलब क्या हो? बहुल अंक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, जो सबसे अधिक बार है। हम तो बहुलांग इसीलिए बोलेंगे और आसानी से तुम समझोगे। बहुलक से बहुलांग ज्यादा सफर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? चलो बैठो, बैठ। आरेख बनाए होंगे तुम लोग? आरेख, दंड आरेख वगैरह बनाया कि नहीं? आरेख किसे कहते हैं? आगे किसे कहते हैं? तुम्हारे गुरु जी हमको बताए बड़े तेज लड़के, हमारे बड़े तेज लड़के हैं, वहां से आ रहे हैं 500 किलोमीटर दूर चलेंगे। अब तो रोना ला कि ना कटा दी। अरे पूछे फ्रीक्वेंसी क्या उसमें प्रदर्शित करते हैं, किस तरह की चीजें प्रदर्शित की जाती है? आरेख होता क्या है? आंकड़ों का चित्रीय प्रदर्शन है, जो आसानी से उसकी व्याख्या चित्री प्रदर्शन। तो आंकड़े को रेखा के रूप में प्रदर्शित करके आरेख होता है, उसी में वो भी है। किस तरह के आंकड़े उसमें